अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 20 है। अब तो खैर सिंपली क्वेश्चन बचे हैं। शो दैट द रिलेशन डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस टू अपॉन फोर जेड प्लस आई ट्रांसफॉर्म द रियल एक्सिस इन जेड प्लेन इनटू सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन। जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्म द रियल एक्सिस इन जेड प्लेन, जेड प्लेन की जो रियल एक्सिस है उसे डब्ल्यू प्लेन के सर्किल में ट्रांसफॉर्म कर रही है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। जब आपके पास सर्किल आ जाएगा तो आपको बताना है सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है। एंड द पॉइंट इन द जेड प्लेन विच इज मैप्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल, और वो बिंदु भी बताइएगा विच इज मैप्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल, जो सर्किल का सेंटर बना है, यानी कि जेड प्लेन में जा करके वो पॉइंट भी बताइएगा जिससे डब्ल्यू प्लेन में जा करके आपके सर्किल का सेंटर प्राप्त हो जाए। सर्किल का सेंटर आपका प्राप्त हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन उठा लीजिएगा डब्ल्यू इक्वल टू आई जेड प्लस टू अपॉन फोर जेड प्लस आई। अब यहां मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं, अब इसे जो है मैं तोड़ने जा रहा हूं। मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट यहां से लूंगा, और रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर मैं लूंगा तो यहां से ध्यान रखना कि मुझे डब्ल्यू प्लेन में जाकर के सर्किल बना रहा है, सर्किल की इक्वेशन में डब्ल्यू प्लेन में यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। पहले आप इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, फोर डब्ल्यू जेड प्लस डब्ल्यू आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस टू जेड कर लीजिएगा, फोर डब्ल्यू माइनस आई हो जाएगा और इधर टू माइनस डब्ल्यू आई हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाता है टू माइनस डब्ल्यू आई अपॉन फोर डब्ल्यू माइनस आई। टू माइनस डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई भी बाहर ई आई और फोर यू प्लस आई भी माइनस आई जेड इक्वल टू। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लीजिएगा। जेड इक्वल टू आपका हो जाएगा टू माइनस आई भी होगा, और यहाँ देखिएगा आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस का बात होगी माइनस माइनस प्लस माइनस का आई यू हो जाएगा, नीचे फोर यू हो जाएगा, फोर यू हो जाएगा और यहाँ आई कॉमन लेंगे तो फोर बी माइनस वन बनेगा, फोर बी माइनस वन। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट मुझे लेना है तो इसे तो एक्स प्लस आई वाई लिख देता हूँ और इन टू में डाल देता हूँ फोर आई माइनस आई फोर बी माइनस वन अपॉन फोर यू माइनस आई फोर बी माइनस वन एक्स प्लस आई वाई। ये मेरा टू है तो ये देख लीजिएगा एक्स प्लस टू प्लस बी की फोर यू से मल्टीप्लाई करेंगे एट यू आ जाएगा प्लस का फोर यू भी आ जाएगा। ये मेरा रियल पार्ट है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी ये माइनस माइनस प्लस आएगा आई स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी यू के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का फोर यू भी आ जाएगा माइनस का यू हो जाएगा। ये मेरा रियल पार्ट बन चुका है। अब इमेजिनरी पार्ट में देखिएगा, इमेजिनरी पार्ट में इसकी मल्टीप्लाई इधर होनी चाहिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर होनी चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो दोनों में माइनस का आई कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो ये वाली टर्म लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो माइनस तो बाहर जा चुका है तो ये फोर यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस बाहर जा चुका है प्लस, तो ये हो जाएगा टू प्लस बी इंटू फोर बी माइनस वन, और यहाँ हो जाता है सिक्सटीन यू स्क्वायर प्लस फोर बी माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ फोर यू बी से फोर यू बी कट जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू जो है फोर यू बी से फोर यू बी कट रही है, और मुझे जेड प्लेन में जो है वो इमेजिनरी एक्सिस लेनी है। यहाँ पर लिखेगा सॉरी रियल एक्सिस लेनी है जेड प्लेन में, जो रियल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है और उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होती है। तो मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है वो रियल एक्सिस के लिए दिखानी है, तो मुझे यानी कि वाई चाहिए अर्थात इमेजिनरी पार्ट चाहिए।
रियल पार्ट मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वेट आर के, इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक बिंदु और निकालना है, पॉइंट इज जेड प्लेन व्हिच इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेंटर ऑफ सर्किल, ये इक्वेशन नंबर वन की जगह इसे डालिएगा यहाँ पर, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेट आई पी, इमेजिनरी पार्ट ले लीजिएगा, तो वाई इक्वल टू यहाँ से आ जाता है माइनस का 4u² प्लस, इसकी मल्टीप्लाई देख लीजिएगा 8b माइनस 2 प्लस 4b² और माइनस का b करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7b अपॉन 16u² प्लस 4b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिएगा मैंने y तैयार कर दिया है, कंडीशन लगाइएगा फॉर रियल एक्सेस इन जेड प्लेन, रियल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू जीरो, जब वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हटा दीजिएगा, ये हटा दीजिएगा, तो ये हो जाता है 4u² प्लस 4v² माइनस 7v माइनस 2 = 0, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, u² प्लस v² माइनस का 4v और माइनस का 1/2 = 0। अभी इक्वेशन ऐसे आ गई है जैसे कि 11th क्लास में होती है सर्किल की इक्वेशन, कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, इससे कंपेयर कर लीजिएगा u² + v² प्लस 2gu प्लस 2fv प्लस c = 0, इससे कंपेयर कर लीजिएगा, ये हो जाता है इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन w प्लेन में आ चुकी है, अब यहाँ से ये हो जाता है, अब यहाँ से रिजल्ट लिख देते हैं, 10 द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म द रियल एक्सेस इन डब्ल्यू सॉरी इन जेड प्लेन इनटू सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन, पहली चीज जो है आपकी प्रूव हो चुकी है, एक बार तो आपकी प्रूव हो गई है, फिर उसने कहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर और रेडियस बताइएगा, यहां से कंपेयर कर लीजिएगा, माइनस जी और माइनस एफ सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ लेंगे, देखिएगा यू का कोएफिशिएंट तो है नहीं, जीरो आ जाएगा, बी का कोएफिशिएंट यहां से हो जाएगा कोएफिशिएंट का आधा, तो ये हो जाएगा माइनस के 7/16, ये हमारा सेंटर आ जाएगा, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल गया है, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पर 2f होता है, तो 4 से डिवाइड करा है हमने, तो यहाँ माइनस के 7/8 है, जो सेंटर आएगा वो 7/8 आएगा, 7/8 सेंटर आ चुका है, अब रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू अंडर रूट करेंगे g² प्लस f² माइनस c करेंगे, g² 0 हो जाएगा, ये 4/64 हो जाएगा, माइनस c की वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 49 हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा, अपॉन में 64 का 8 हो जाएगा, ये 9 तो 11 हो जाते हैं और 4 3 7 8 8, तो ये हो जाती है 9/8, आपकी सर्किल की रेडियस आ चुकी है, तो इस प्रकार से सर्किल का सेंटर आ चुका है, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, सर्किल की रेडियस आ चुकी है, और फिर आपसे ये पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन में वो कौन सा बिंदु है, ये पढ़ देता हूँ मैं, सबसे लास्ट लाइन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल एंड द पॉइंट इन द जेड प्लेन, जेड प्लेन में वो बिंदु याद कीजिए विच इज मैप्ड ऑन द सेंटर ऑफ सर्किल, जिससे मैपिंग करके सर्किल का सेंटर बनता है,
यानी कि सर्किल का जो सेंटर है वो डब्ल्यू प्लेन में है, तो वो पूछ रहा है डब्ल्यू प्लेन में जो है वो सॉरी जेड प्लेन में ऐसा कौन सा बिंदु होगा जिससे डब्ल्यू प्लेन में सर्किल का सेंटर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू आपको दे रखा है जेड आपसे पूछा है। अब ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रखने वाला हूँ, यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन में ये है, क्योंकि सेंटर इक्वल टू यहाँ से देख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ 0-7i/8 इक्वल टू ये ले लीजिएगा डब्ल्यू नॉट ब्रैकेट में से, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे मैंने डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब ये डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू प्लेन में जाकर के सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है, तो जेड प्लेन में जान लीजिए मान लीजिएगा वो पॉइंट जेड नॉट है जिससे का आंसर जो है डब्ल्यू नॉट आ रहा है, ये हो जाता है डब्ल्यू नॉट। तो लेट डब्ल्यू नॉट इज करेस्पॉन्ड टू जेड नॉट अंडर बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा बाय इक्वेशन वन अभी मैंने रब नहीं करी है, तो जेड नॉट इज इक्वल टू 2-W0i और ये हो जाएगा 4W0-i। डब्ल्यू नॉट की वैल्यू देख लीजिएगा तो 2-, यहाँ देखिएगा डब्ल्यू नॉट के साथ आई है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2-7/8 हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 4W0, तो ये 4×8 हो जाएगा, माइनस का 7i/2 हो जाएगा और माइनस का i हो जाएगा जेड नॉट, तो ये 8 हो जाएगा, 8×16, 16 में 7 जाएंगे ऊपर आ जाएगा 9/8 और ये माइनस का 9i/2 हो जाता है, 9 से 9 जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस का 2×8 हो जाएंगे 1/4i, इसको हम i²/4i कर लेंगे तो ये हो जाएगा i/4, ये जेड नॉट की वैल्यू आ गई है। सो जेड नॉट इज इक्वल टू i/4 इज करेस्पॉन्ड टू सेंटर, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का 7i/8 और इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 20 था, एग्जाम्पल नंबर 21 आप खुद करेंगे, होमवर्क है, सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 22 भी आप खुद करेंगे, ये भी होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 13 और 14 और 15 में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज इसके एग्जाम्पल जो है वो ख़त्म ही कर देते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 23 का एक्सप्लेनेशन देखिएगा, क्वेश्चन इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो इसका आंसर भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ नई सीखने के लिए मिलेगी मैथमेटिक्स में, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अभी तक फिजिक्स वाले लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करते हैं, आज हम भी मैथमेटिक्स में लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। प्रूव दैट इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी एंड ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे थे, और जब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखाई गई तो उसमें लिखाया था कि AD माइनस BC अगर 1 हो जाता है तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाती है। द लीनियर मैग्नीफिकेशन इज CZ+D−CZ+D^-2। उसने बात करी है लीनियर मैग्नीफिकेशन की, थोड़ा सा मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में बता दूं। अगर हम लीनियर मैग्नीफिकेशन फिजिक्स की भाषा में बात करें तो फिजिक्स की भाषा में लीनियर मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट होता है i/O से। तो i होती है हमारी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन नीचे आ जाती है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा हम मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हैं, अब मैथमेटिक्स में देखिएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन में किस तरह से बनाता हूँ। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो W=FZ है, तो जब हमारे पास कोई लेंस होता है तो उसमें यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इमेज बन रही है आई, सही है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास मान लीजिएगा जो लेंस है वो लेंस मान लीजिए, अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आप जेड रखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है डब्ल्यू में, यानी कि जेड प्लेन के जो बिंदु है
वो डब्ल्यू प्लेन के बिंदु बन जाते हैं, यानी कि ऐसे मान लीजिएगा कि जैसे जेड प्लेन में कोई रेखा है तो डब्ल्यू प्लेन में जाकर के वो सर्किल बन जाएगा, है ना, या रेखा बन जाएगी। तो इसी तरह समझिएगा, तो जेड इक्वल टू, तो यानी कि ये तो काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ये काम करेगा इमेज का। तो ऑब्जेक्ट का काम हमारे लिए जेड कर रहा है और इमेज का काम जो है हमारे लिए डब्ल्यू कर रहा है। तो इस तरह से अगर एम देखेंगे तो वो बनेगा डब्ल्यू बटे जेड, लेकिन W बटे जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो है। यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है उसके लिए W और Z जो है वो बहुत छोटा लिया जाता है, और जब बहुत छोटी क्वांटिटी हम मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डिफ्रेंशिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फार्मूला इस तरह से बन जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया कि मैथमेटिक्स में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम W इक्वल टू एफ जेड पढ़ रहे हैं बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होगी वो रिप्रेजेंट होगी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड से, सही है। तो जो उसने लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछी है तो उसमें कुछ नहीं करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, सिर्फ डी डब्ल्यू बटे डी जेड निकाल दूंगा और वो लीनियर मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। फिर आगे क्या कहता है, सो दैट द सर्किल, अब देखिए भाई एक सर्किल है ये, मोर सी जेड प्लस वन इज द कंप्लीट लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ विच लैंड्स एंड एरियाज आर अनअल्टर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो फिर आगे कहता है कि अगर तुम एक सर्किल मोड सी जेड प्लस वन, सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन लेते हो, तो ये सर्किल का जो नेबरहुड होगा, इसके पड़ोस में जो बिंदु होंगे, यानी कि ये सर्किल जो है वो ऐसे बिंदुओं का ऐसे बिंदुओं का लोकस है जिसके पड़ोस में लेंथ और एरिया अनअल्टर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जिनको बदल नहीं पाती है, यानी कि कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन इनको बदल नहीं पा रही, मतलब इनका सॉरी साइज नहीं बदल पा रही है। तो साइज अगर नहीं बदल पा रही है तो ऐसे समझिएगा कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है, तो यानी कि अगर मैं इस वाली सर्किल का यूज करूंगा मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन का यूज करूंगा मैं, तो मेरे पास जो लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो वन आनी चाहिए। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर मेरे पास वन आ जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट, जितने भी लेंथ होंगी और जितने भी एरिया होंगे, जितने भी लेंथ होंगे जितने भी एरिया होंगे उनका जो है साइन को चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब फिर आगे प्रूव दैट द लेंथ एंड एरिया विद इन द सर्किल आर इंक्रीज एंड लेंथ एंड एरिया आउटसाइड द सर्किल आर डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अब इसमें वो बाद में कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है कि जिस सर्किल के बारे में बात करता हूँ सर्किल के नेबरहुड के नेबरहुड में जितने भी लेंथ और एरिया होंगे वो नहीं बदलेंगे, लेकिन प्रूव दैट द लेंथ एरिया विद इन द सर्किल आर इंक्रीज, लेकिन सर्किल के अंदर के अगर लेंथ और एरिया लेते हो तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी और सर्किल के बाहर के जितने हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन वन आएगी। एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि वन आ जाता है तो साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन वन आ जाता है तो साइज बड़ा हो जाता है, लेस देन वन आ जाता है तो साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इसी वैल्यू को प्रूव करके दिखाएंगे, वैसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन से भी छोटा है। अब ये देख लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इसका। ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी W इक्वल टू है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ए अपॉन सी बाहर ले लीजिएगा, जेड प्लस बी अपॉन ए जेड प्लस डी अपॉन सी। डिफरेंशिएशन को आसान करना है, इसे डिफरेंशिएशन को आसान कर दिया, एक काम करिएगा डिफरेंशिएशन को आसान करने को सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन तो देखिएगा ये हो जाएगा ए सी जेड प्लस ए डी माइनस ए सी जेड माइनस डी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर ए सी जेड, दिया जाता है आपका ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। अब कंडीशन यूज कर दीजिएगा, ये देखिएगा सॉरी यानी ए डी माइनस बी सी गिवन ए डी माइनस बी सी इक्वल टू वाई, तो आपका आ चुका है लीनियर मैग्नीफिकेशन
डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू वन अपॉन सी जेड प्लस जी का होल स्क्वायर। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन आ चुका है। और लीनियर मैग्निफिकेशन, अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो है, लेकिन मैग्निफिकेशन एक नंबर होता है, वो तब बनता है जब मैग्नीट्यूड मोड ले लेते हैं। तो ऐसे कर लेता हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू ऐसे लिख लेता हूँ मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, यहाँ मोड लगाते चलिएगा, एलसी लगा देता हूँ, ये हो जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो ये अब स्क्वायर रख करके ये बन जाता है मोड सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। मोड लेने से ये फायदा हो जाता है, तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है और एक ही नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। डी मोड लीनियर मैग्निफिकेशन मोड डी डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर हो चुका है। यहाँ पर ये लीनियर मैग्निफिकेशन आ चुका है। आप देखिएगा सर्किल की बात करिएगा, इफ मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन इज टू इम्प्लाइज मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू वन। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये है, अब ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब यहाँ से ये देख लीजिएगा मोड सी जेड डी प्लस डी की वैल्यू वन लेते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन आती है। लीनियर मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वन आ रहे हैं तो इसका मतलब जो इमेज की साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये यहाँ से कंडीशन, यहाँ से हम रिजल्ट दे देते हैं, हैज द पॉइंट, हैज द पॉइंट ऑन द सर्कल मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन। बल्कि ऐसे करते हैं, एट द पॉइंट ऑन द सर्किल एंड इन नेबरहुड ऑफ सर्किल हैंस, ऐसे लिख देते हैं हैंस, एट द पॉइंट्स ऑन द सर्किल मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन एंड इन नेबरहुड ऑफ सर्किल कॉमा मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू वन। सो अब मैग्नीट्यूड की वैल्यू बना रही है, साइज में चेंज नहीं करेंगे। सो लेंथ एंड एरियाज, सो लेंथ एंड एरियाज आर अनअल्टर्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मोड सी जेड, मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन पर जो लाइन और एरिया पड़ते हैं और उनके पड़ोस में जो एरिया पड़ते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन होने की वजह से जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साइज में कोई रूपांतरण नहीं कर पा रही है, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो वन आ चुकी है। अब आगे देख लेते हैं, एक बार लेस देन में चलिएगा और एक बार ग्रेटर देन में चलिएगा, रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। एक मोड सी जेड प्लस डी लेस देन वन देन मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड ग्रेटर देन वन, एक मोड सी जेड प्लस डी ग्रेटर देन वन देन मोड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड लेस देन वन। देखो उल्टा आ रहा है, सी जेड प्लस डी के मोड के साथ जो साइन आ रहा है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के साथ वो साइन आ रहा है। अब मैं यहाँ लेस देन वन लगा रहा हूँ तो ये इंटीरियर पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ साइज जो है वन से बड़ा आ रहा है तो यानी कि ये बढ़ जाएंगे। और यहाँ ग्रेटर देन लगा रहा हूँ तो ये लेस देन आ रहा है, ये हो जाएंगे सर्किल के बाहर के पॉइंट। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक से छोटी हो रही है, यानी कि वो लेंथ और एरिया में घट रहे हैं, तो जो अंदर के पॉइंट है वो बढ़ जाते हैं और जो बाहर के पॉइंट है वो घट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन में थ्योरी लिखी गई थी उसे ऐसे कैसे हम प्रिंट कर देते हैं। अब ये है, we can say that length and areas
इनसाइड द सर्किल ओम सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन, अभी वाले बल में आर इंक्रीज एंड द लेंथ एंड एरिया आउटसाइड द सर्किल ओम सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन डिक्रीज्ड, ये वैल्यू अब हम प्रूव कर चुके हैं, लेंथ ये हो जाएगा। अब ये बात हमारी प्रूव हो चुकी है, अब यहां से क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव हो चुका है। अब यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर अभी एक कमी हमारी क्वेश्चन में रह गई है, जेड प्लेन में भी सर्किल ले लिया लेकिन डब्ल्यू प्लेन में जाकर के हमने ये नहीं बताया कि वहाँ क्या बनेगा। एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, इसे डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाइएगा इक्वेशन नंबर वन, बाय इक्वेशन नंबर वन डब्ल्यू इक्वल टू ऐसे कर लीजिएगा ए अपॉन सी जेड प्लस डी अपॉन ए और यहाँ जेड प्लस डी अपॉन सी डब्ल्यू इक्वल टू। अब ट्रांसफॉर्मेशन तैयार करने वाला हूँ मैं, यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू ए अपॉन सी है, डिनोमिनेटर को ऊपर बना लीजिएगा जेड प्लस डी अपॉन सी प्लस डी अपॉन ए माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी अपॉन सी, तो डब्ल्यू इक्वल टू ए अपॉन सी ये वन हो जाएगा और प्लस यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ए डी माइनस बी सी आ जाएगा अपॉन में ए ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा सी जेड प्लस डी आ जाएगा। अब चूंकि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू हमें वन दे रखी है तो डब्ल्यू इक्वल टू से डाले जाते हैं ए अपॉन सी आ जाता है माइनस सी से ए कट जाता है तो ये वन अपॉन आ जाता है सी सी जेड प्लस डी, यहाँ से ये बन जाता है पर सर्किल बनाने वाला हूं तो मैं सीडी तक जाता हूं मैं, यह होता है सी डब्ल्यू इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन सी जेड प्लस डी, ये सर्किल मेरा आ चुका है। ए भी धन लेगा ए धन लेगा तो सी डब्ल्यू माइनस ए इक्वल टू मोर माइनस सॉरी माइनस वन अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस हट जाएगा तो मोर सी डब्ल्यू माइनस ए इक्वल टू वन अपॉन मोर सी जेड प्लस डी। अब देख लीजिएगा ये जेड प्लेन का सर्किल है, ये डब्ल्यू प्लेन का सर्किल है लेकिन देखिएगा राइट हैंड साइड में वन अपॉन है तो अंदर इंटीरियर जो है एक्सटीरियर बन जाएगा और एक्सटीरियर जो है वो इंटीरियर बन जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं पॉन मोर सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन इस टू इम्प्लाइज मोर सी डब्ल्यू माइनस ए इक्वल टू वन, यानी कि सर्किल इन जेड प्लेन सर्किल इन जेड प्लेन आर करस्पॉन्ड टू सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन, जो जेड प्लेन के सर्किल है वो डब्ल्यू प्लेन के सर्किल के जो है वो करस्पॉन्ड हो रहे हैं लेकिन लेस देन ग्रेटर देन में उल्टा हो जाएगा और मोर सी जेड प्लस डी लेस देन वन इज टू इम्प्लाइज मोर सी डब्ल्यू माइनस ए ग्रेटर देन वन, डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है ना, और फॉर मोर सी जेड प्लस डी ग्रेटर देन वन इज टू इम्प्लाइज मोर सी डब्ल्यू माइनस ए लेस देन वन, तो जेड प्लेन का जो अंदर वाला हिस्सा होगा वो सर्किल के बाहर जाएगा और जेड प्लेन में सर्किल के बाहर वाला हिस्सा होगा वो उसमें सर्किल दूसरे डब्ल्यू प्लेन में वो अंदर चला जाएगा, ये हो जाता है यहाँ से। तो द रीजन पहले ये ले लेता हूँ इनसाइड
एंड आउटसाइड, दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, द रीजन इन साइड एंड आउट साइड द सर्किल मोड सी जेड प्लस डी इक्वल टू वन आर मैप। अब उल्टा लिखेंगे आर मैप, पहले आउट साइड एंड इन साइड द सर्किल देखो यहाँ पर उल्टा लिखा है, क्योंकि लेस देन वन पर ग्रेटर देन वन आ रहा था, ग्रेटर देन वन पर लेस देन वन आ रहा। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 24 है, शो दैट इफ ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc इज नॉट इक्वल टू 0 देन द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d, there are two unequal numbers alpha and beta such that mod w minus alpha upon w minus beta is equal to k z minus alpha upon z minus beta when k is constant। तो देखिएगा सबसे पहले ऊपर शर्त लिखी हुई है the a minus b का whole square plus 4bc जो है वो not equal to 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको आर्टिकल करना है वो आर्टिकल करना है आपके लिए वो invariant points का, जो आपके इनवेरिएंट पॉइंट के आर्टिकल थे वो करना है फिक्स पॉइंट, यानी कि सबसे पहले जो है सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले आर्टिकल करेंगे 4.18 आर्टिकल 4.18 केस फर्स्ट, आर्टिकल 4.18 के केस फर्स्ट में लिया गया था ये माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc अगर 0 नहीं होता है तो दो फिक्स पॉइंट अल्फा और बीटा आते हैं, उसके बाद डब्ल्यू माइनस एल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा इज इक्वल टू के जेड माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा लिखा हुआ है। ये नॉर्मल फॉर्म का आर्टिकल है, नंबर देख लेता हूं मैं, ये नॉर्मल फॉर्म के आर्टिकल का थ्योरम नंबर 1 है, फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म, हाँ इससे अगला है। फिर आप उसके बाद आर्टिकल करेंगे 4.19 उसकी थ्योरम नंबर 1 करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा w माइनस अल्फा अपॉन w माइनस बीटा इज इक्वल टू k z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस बीटा, तो ये वैल्यू आपकी प्रूव्ड हो जाएगी। तो ये पहला हमारा जो है आर्टिकल हो गया, दो पार्ट जो है वो आर्टिकल के बारे में कहे गए हैं। फिर आगे देखिएगा, सो ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्किल इन w प्लेन करेस्पॉन्ड टू द सर्किल इन z प्लेन व्हिच हैज डायमीटर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट z इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा is mod alpha minus beta is equal to 2 cos theta by 2 where theta is argument of k। अब वो कह रहा है show also the radius of circle in w plane, w plane में जो circle आएगा वो यार w plane का circle निकालने जा रहा हूँ मैं, correspond to the circle in z plane, और किससे बना है वो z plane के circle से बना है which has diameter as the line joining the point z is equal to alpha comma z is equal to beta, और z plane में जो circle वो बनाने के लिए कह रहा है, z plane में जो circle वो दे रहा है उसमें जेड इक्वल टू अल्फा जेड इक्वल टू बीटा जो है दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो डायमीटर है। लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई गई थी, आर्गुमेंट डिवाइड करके लिखेंगे तो उसकी वैल्यू पाई बाई टू होना चाहिए, तो वो जेड प्लेन का सर्किल बन जाएगा आपको। फिर उससे आपको डब्ल्यू प्लेन का सर्किल निकालना है, और डब्ल्यू प्लेन का सर्किल निकालने के बाद आपको ये यूज़ करना है, जो डब्ल्यू प्लेन में सर्किल होगा उसकी रेडियस जो है मोड अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये दो आर्टिकल करेंगे। अब ये है गिवन सर्किल इन जेड प्लेन में हमें जो सर्किल दे रखा है उसकी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी, आर्गुमेंट जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था, ये जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा के बीच का एंगल है, और अल्फा और बीटा को मिलाने वाली रेखा अगर व्यास होगी तो जेड जो है वो सर्किल की परिधि पर पड़ेगा, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, तो ये सर्किल की इक्वेशन हमारी बन जाती है, ये जेड प्लेन का सर्किल हो गया। आप देखिएगा आर्गुमेंट की वैल्यू पाई बाई 2 है, अब मैं इसे कैसे चेंज करने वाला हूँ, आर्गुमेंट की वैल्यू पाई बाई 2 है तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर जो पॉइंट पड़ता है वो प्योरली इमेजनरी होता है, और प्योरली इमेजनरी का मतलब है रियल पार्ट जो है वो इसका जीरो होगा। कैसे लिख देते हैं, इज टू इम्प्लाइज जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली इमेजनरी होगा, तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर ये प्योरली इमेजनरी क्वांटिटी है तो इसका जो रियल पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, और जब इसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा
तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका बार जोड़ करके दो से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको रियल पार्ट मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा प्लस जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा, तो आप पूरे पर बार लगा दीजिएगा इक्वल टू 0। 1/2 भी हटा दीजिएगा, जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस बीटा प्लस जेड माइनस अल्फा का बार अपॉन जेड माइनस बीटा का बार इक्वल टू 0। अभी आपकी वैल्यू आ चुकी है बार। अभी इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लीजिएगा यहाँ पर। अब जेड प्लेन में तो मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, मुझे डब्ल्यू प्लेन में जाना है सर्किल लेने के लिए। डब्ल्यू प्लेन में सर्किल लेने के लिए जाना है, यूज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू डाल दीजिएगा, वन अपॉन टू डब्ल्यू माइनस अल्फा अपॉन डब्ल्यू माइनस बीटा, वन अपॉन ए बार डब्ल्यू बार माइनस अल्फा बार अपॉन डब्ल्यू बार माइनस बीटा बार। यहाँ भी बार अलग अलग लिख दीजिएगा या तोड़ दीजिएगा, एक ही बात है। और इक्वल टू हो जाता है 0। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा कि ये बार के साथ W माइनस अल्फा आ जाएगा, W बार माइनस बीटा आ जाएगा, और प्लस यहाँ K के साथ W माइनस बीटा आ जाएगा, W बार माइनस अल्फा बार आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करिएगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अभी K की वैल्यू रखने वाला हूँ मैं, के की वैल्यू उसने हमें दिया था, आर्गुमेंट ऑफ के जो है वो थीटा है, यानी कि थीटा का एक्स एक्सिस से बनने वाला, ओ सॉरी, के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका थीटा से बनने वाला, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने वाला हूँ मैं, ये इक्वेशन नंबर 2। गिवन दैट आर्गुमेंट ऑफ के इज इक्वल टू थीटा इसको इम्प्लाइज, तो आप के इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे मोड के, पहले मोड आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, e की पावर i थीटा आ जाएगा, तो फिर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यहाँ डालिएगा, मोड k हो जाएगा e की पावर माइनस i थीटा, इनकी मल्टीप्लाई कर देते w w बार आ जाएगा, माइनस w बीटा आ जाएगा, माइनस अल्फा w बार आ जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ मोड k हो जाएगा, e की पावर i थीटा हो जाएगी, यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू बार आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू अल्फा बार आ जाएगा, माइनस बीटा डब्ल्यू बार आ जाएगा, और माइनस अल्फा बार बीटा आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा मेरे से यहाँ बार हटा है, ये मल्टीप्लाई गलत हो गई, यहाँ डब्ल्यू बीटा बार आ जाएगा और यहाँ अल्फा बीटा बार आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ भी मोड के है, यहाँ भी मोड के है, मोड के जो है आपका 0 में चला जाएगा, मोड के 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू बार को देख लीजिएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बार अगर आप लेते हैं तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस का आई थीटा बनेगा। अब डब्ल्यू के साथ वाली टर्म को देख लीजिएगा, डब्ल्यू के साथ में क्या बनता है, डब्ल्यू देख लीजिएगा, एक तो डब्ल्यू ये है, एक डब्ल्यू ये है, तो माइनस का डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाता है अल्फा बार e की पावर आई थीटा और प्लस बीटा बार e की पावर माइनस आई थीटा, ये डब्ल्यू बार बन डब्ल्यू के साथ बन जाता है, माइनस डब्ल्यू बार के साथ देख लीजिएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा e की पावर आई थीटा, और यहाँ देख लीजिएगा अल्फा e की पावर माइनस का आई थीटा। अब यहाँ अल्फा बीटा बार है और यहाँ अल्फा बार बीटा है, ये दोनों वैल्यू आपकी चेंज है, तो ये हो जाता है माइनस है, ये वैल्यू प्लस है, अल्फा बीटा बार e की पावर माइनस आई थीटा माइनस अल्फा बार बीटा e की पावर आई थीटा इक्वल टू 0। इस प्रकार से जो है आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर साइन मेरा पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहा है, ये वैल्यू प्लस है, ये साइन मेरा गलत है, ये प्लस, ये प्लस, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, चूंकि e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा करेंगे तो ये 2 cos थीटा हो जाएगा। अब इस 2 cos थीटा से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा w w बार हो जाएगा माइनस w अल्फा बार e की पावर आई थीटा प्लस बीटा बार e की पावर माइनस आई थीटा फॉर 2 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस w बार के साथ
थीटा e की पावर i थीटा माइनस अल्फा e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 cos थीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा बार e की पावर माइनस i थीटा प्लस अल्फा बार बीटा e की पावर i थीटा अपॉन 2 cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो इक्वेशन आई है मेरी वो सर्किल की, ये जरा बोर्ड पर दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इक्वेशन को दिखाने के लिए। अब देख लीजिएगा इक्वेशन मैंने तैयार कर दी है, अब मुझे ऊपर से थोड़ा बोर्ड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और जब चैप्टर शुरू हुआ था तो उसमें जनरल इक्वेशन और सर्किल आपको सिखाई गई थी। अब ये है विच हैज द फॉर्म Which has the form W W bar plus ऐसे कर दीजिएगा B bar W plus B W bar और plus C equal to zero। ये सर्किल है, ये सर्किल एक W प्लेन और आपसे जो रेडियस पूछी गई थी तो रेडियस ये सबसे पहले आर्टिकल हुआ था हमारा रेडियस इक्वल टू मोड में डाल दीजिएगा अंडर रूट बी बी बार हो जाएगा और माइनस का सी हो जाएगा। ये रेडियस का फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन आप देख लीजिएगा अंडर रूट में अंडर रूट है रेडियस में अंडर रूट तो लग ही गया है या ये काम कर लेंगे अंडर रूट, चलो अंडर रूट ही लगा देता हूँ। बी की मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हैं, बी बार से कर रहे हैं, W के साथ वाला B बार है और W बार के साथ वाला B बार है, ये B हो जाएगा और ये B बार हो जाएगा, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे इनकी मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म जो है आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, यहाँ 2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 cos थीटा हो जाएगा, तो अपॉन में तो आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अल्फा बार e की पावर i थीटा और बीटा बार e की पावर माइनस i थीटा, दूसरे वाले में हो जाएगा बीटा e की पावर i थीटा माइनस अल्फा e की पावर माइनस का i थीटा। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब यहां से माइनस का c देख लीजिएगा, अब यहां से वैल्यू देख लीजिएगा c की वैल्यू ये पड़ी हुई है अल्फा बीटा बार पावर माइनस आई थीटा प्लस अल्फा बार बीटा ई की पावर आई थीटा और अपॉन में पड़ा हुआ है 2 कॉस थीटा, ये अंडर रूट यहाँ पूरा हो जाता है या मोड है ये बाहर ले लेता हूँ मैं, 1/2 कॉस थीटा का मोड बाहर ले लिया है मैंने अंडर रूट, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, अल्फा बार ई की पावर आई थीटा प्लस बीटा बार ई की पावर माइनस आई थीटा बीटा e की पावर आई थीटा माइनस अल्फा e की पावर माइनस आई थीटा, यह मोड और है अंडर रूट पूरे पर चल रहा है माइनस अल्फा बीटा बार e की पावर माइनस आई थीटा प्लस अल्फा बार बीटा e की पावर आई थीटा। अब देखिएगा एलसीएम में से 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाहर गया है जबकि यहाँ क्या है 2 कॉस थीटा है, तो मल्टीप्लाई में 2 कॉस थीटा आ जाएगा, तो 2 cos थीटा आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2 cos थीटा की वैल्यू लिख देंगे e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा और यहाँ मोड बंद कर देते हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पर क्योंकि 2 cos थीटा की जो वैल्यू रखी है हमने वो e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा रखी है। अब यहाँ पर जब आप ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म शुरू में आएंगी और 4 टर्म बाद में आएंगी, तो टोटल 8 टर्म हो जाएंगी, 8 में से 4 जो है आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और उसमें से जो 4 टर्म बचेंगे उनके फैक्टर हो जाएंगे, तो 1/2 में मोड 2 cos थीटा हो जाता है और यहाँ हो जाता है मोड अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अल्फा बार बीटा आ जाएगा e की पावर 2i थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से देखिएगा माइनस अल्फा अल्फा बार आ जाएगा e की पावर i थीटा कट जाएगी, इसका देख लीजिएगा प्लस का बीटा बीटा बार आ जाएगा e की पावर i थीटा कट जाएगी, माइनस यहाँ पर आ चुका है अल्फा बीटा बार e की पावर माइनस 2i थीटा, 4 टर्म ये हो गई है माइनस, यहाँ आ जाइएगा
यहाँ से अल्फा बीटा बार हो जाएगा, इनकी पावर आई थीटा कट जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा बार इनकी पावर माइनस का टू आई थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का अल्फा बार बीटा ई की पावर टू आई थीटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा बार बीटा। ये ट्रूथ के अंदर की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर जो है बाहर मोड बन गया है। अब देखिएगा अल्फा बार बीटा ई की पावर टू आई थीटा, ये टर्म कैंसिल है और ये देखिएगा ये टर्म हमारी कैंसिल है तो ये हो जाता है वन अपॉन मोड टू कॉस थीटा मोड अंडर रूट के अंदर ये चार टर्म बची हुई है, चार टर्म मेरे पास बची हुई है, ये सारी माइनस की आ गई है। अब मुझे इनके फैक्टराइज करने हैं, अब इनके जो है मुझे फैक्टराइज करने हैं, दो टर्म में जो है वैल्यू मेरी थोड़ी सी मेरा गलत आ रहा है, यहाँ पर ये मेरे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये साइन प्लस का था और ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। अब ये चार टर्म में से दो प्लस की और दो माइनस की हैं, इन दोनों टर्म को देखिएगा, इनमें से अल्फा अगर मैं कॉमा ले लेता हूँ तो अल्फा बार माइनस बीटा बार बचता है, इन दोनों टर्म को देख लीजिएगा, इसमें से अगर मैं माइनस का बीटा कॉमा ले लेता हूँ तो अल्फा बार माइनस बीटा बार बचता है, ये हो जाता है तो ये हो जाएगा वन अपॉन मोड टू कॉस थीटा मोड अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा अल्फा बार माइनस बीटा बार अंडर रूट, ये वैल्यू अंडर रूट में बन जाती है। अब इसे रूट का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों आपस में एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो वन अपॉन में टू कॉस थीटा हो जाएगा मोड अंडर रूट में हो जाएगा मोड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मोड का स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी मोड अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू कॉस थीटा। और इस तरह से आपने डब्ल्यू प्लेन में जाकर के सर्किल की इक्वेशन जो है वो निकाल दी। अब इसमें से ऊपर वाला बोर्ड आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ देखने के लिए। अब सारा बोर्ड आपको अपीयर हो रहा है, पहली वाली लाइन इसमें छूटी हुई थी। अब लास्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 25 हम करते हैं। प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी गई है a बार w z माइनस b w माइनस b बार z प्लस a इक्वल टू 0 है। मैप द सर्किट मोड z इक्वल टू 1 ऑन द सर्किट मोड w इक्वल टू 1 इफ मोड b नॉट इक्वल टू मोड a। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रही है वो z प्लेन के सर्किट जो है मोड z इक्वल टू 1 की मैपिंग करेगी सर्किट में मोड w इक्वल टू 1 में। एक बात ये सिद्ध करनी है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इफ मोड b नॉट इक्वल टू मोड a होगा। अब फिर कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द इंटीरियर ऑफ फर्स्ट सर्किल मे बी मैप्ड ऑन द इंटीरियर ऑफ सेकंड, फिर आपको वो शर्त बतानी है कि पहले सर्किल का जो इंटीरियर पॉइंट है वो दूसरे सर्किल के इंटीरियर पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, मैपिंग में चला जाए। दो चीजें होंगी, सो आल्सो दैट इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फेस पॉइंट आइदर आर इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट सर्किल और लाई ऑन दैट सर्किल। और फिर बाद में आपसे ये कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं उसके जब आप इनवर्स पॉइंट निकालेंगे तो जब उसके सॉरी इनवर्स पॉइंट कह रहा हूँ जब उसके आप फिक्स पॉइंट निकालेंगे डब्ल्यू इक्वल टू जेड रख करके फिक्स पॉइंट जब आप निकालेंगे तो वो यूनिट सर्किल के या तो इनवर्स पॉइंट होंगे है ना, या वो पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, पहले ट्रांसफॉर्मेशन उठाते हैं। सॉल्यूशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, given transformation is a bar w z minus b w minus b bar z plus a equal to 0, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। अब यहां से वैल्यू निकाल दीजिएगा, z वाली टर्म देख लीजिएगा, z के साथ a bar w minus का b हो जाएगा और बाकी दूसरी तरफ b w minus का a हो जाता है तो z इक्वल टू हो जाता है बी डब्ल्यू माइनस ए अपॉन ए बार डब्ल्यू माइनस का b। अब जो मुझे सर्किल बनाना है ये z की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, सर्किल मोड z इक्वल टू 1 बनाना है, क्योंकि आप ये लीजिएगा z z बार में से 1 घटाइएगा
तो ये हो जाएगा बी डब्ल्यू माइनस ए अपॉन ए बार डब्ल्यू माइनस बी। अब इसका बार ले लीजिएगा बी बार डब्ल्यू बार माइनस का ए बार अपॉन ए का डबल बार है तो ए बन जाएगा ए डब्ल्यू बार माइनस बी बार माइनस वन। फिर वही प्रक्रिया होने वाली है जब आप एलसीएम लेने जाएंगे तो ऊपर चार फैक्टर बनेंगे, आठ पद बनेंगे, आठ में से चार बन जाएंगे और बाकी चार के जो है वो फैक्टर बन जाएंगे। ऊपर देख लीजिएगा तो ये हो जाता है मोर जेड स्क्वायर माइनस वन, इनकी मल्टीप्लाई करिएगा बी की मल्टीप्लाई बी बार से कर रहे हैं बी बी बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस बी ए बार डब्ल्यू माइनस ए बी बार डब्ल्यू बार माइनस माइनस प्लस ए ए बार माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई करिएगा ए ए बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस ए बार बी बार डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा बी आ जाएगा ए आ जाएगा डब्ल्यू बार हो जाएगा तीन माइनस हो जाएंगे बी बी बार और नीचे हो जाएगा ए बार डब्ल्यू माइनस बी और ए डब्ल्यू बार माइनस का बी बार। अब यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी ये तैयार हो चुकी है। अब इन आठ पद में से जो है चार पद जो है वो कटने चाहिए। देखिएगा बी ए बार डब्ल्यू बार यहाँ पर एक चीज मैंने भी छोड़ तो नहीं दी है क्योंकि वैल्यू जो है मेरी आपस में कट रही है। ए पर बार है बी डब्ल्यू है और बी बार जेड है। यहाँ देखिएगा ए बार डब्ल्यू जेड ए बार यहाँ देखिएगा मेरे से मिसप्रिंट हो चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर एक मैंने बार छोड़ दिया है यहाँ बी बार है तभी मेरी वैल्यू नहीं कट रही है। यहाँ पर बी बार है और यहाँ पर जब बार लेंगे आप ये तो बी बार हो जाएगा लेकिन यहाँ से बार खत्म हो जाएगा तो यहाँ ये बी हो जाएगा यहाँ बी का बार हो जाएगा और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म मेरी सही है। यहाँ ए बार बी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का बी बार ए डब्ल्यू बार और ये मेरी सही है बी ए डब्ल्यू बार ए बी बार डब्ल्यू ये रहा। ये टर्म इससे कट जाती है ये टर्म इससे कट जाती है। अब चार पद आपके पास बचते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू बार देख लीजिएगा डब्ल्यू डब्ल्यू बार कॉमन है तो ये हो जाता है बी बी बार माइनस ए ए बार और इन दोनों में देख लीजिएगा एक तो ये वाली टर्म देखिएगा और एक ये वाली टर्म देखिएगा इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बी बी बार माइनस ए ए बार। अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो इसे हम लिख देंगे ए बी बार माइनस बी का होल स्क्वायर। तो नीचे जो है वो मोड का स्क्वायर है तो इसमें तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है तो पॉजिटिव होता है। ऊपर फैक्टर तैयार कर लीजिएगा मोड जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये हो जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस का वन और ये हो जाता है बी बी बार माइनस ए ए बार अपॉन मोड ए डब्ल्यू बार माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी तैयार हो जाती है। यहाँ से आ जाता है मोर जेड स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू ये हो जाता है मोर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है मोर बी का स्क्वायर माइनस मोर ए का स्क्वायर अपॉन ए डब्ल्यू बार माइनस बी का होल स्क्वायर। अब उसने हमें कंडीशन ये दे रखी है यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आपकी बन चुकी है से कंडीशन बनेगी आपकी इफ मोर जेड इक्वल टू वन मोर जेड इक्वल टू वन लीजिएगा देन मोर डब्ल्यू इक्वल टू वन बनेगा ये कंडीशन बनेगी मोर बी नॉट इक्वल टू मोर ए। ये यहाँ पे बुक में प्रूव करने के लिए दिया गया था कि ये करेस्पॉन्ड हो जाते हैं तो यानी कि सर्किल मोर जेड इक्वल टू वन करेस्पॉन्ड टू सर्किल मोड डब्ल्यू इक्वल टू वन इफ मोड ए नॉट इक्वल टू मोड बी। एक ही पहली शर्त प्रूव हो चुकी है। दूसरी शर्त में उसने हमसे ये कहा था कि जो आपके इंटीरियर ऐसी कौन सी शर्त होगी कि दोनों सर्किल के जो इंटीरियर पॉइंट है वो आपस में एक दूसरे से करेस्पॉन्ड हो सके। अब यहाँ दोनों में लेस देन इक्वल वन बना रहा हूँ इंटीरियर पॉइंट के ए मोर जेड लेस देन वन इसको इम्प्लाई मोर डब्ल्यू लेस देन वन हो जाएगा
अब देखिएगा इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, तो बाकी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो शर्त बन जाएगी मोड बी ग्रेटर देन मोड ए। मोड बी सॉरी बड़ा होना चाहिए मोड ए से, तो यहाँ से शर्त बन जाएगी देन इंटीरियर ऑफ बोथ सर्किल्स आर करेस्पॉन्ड इफ मोड बी ग्रेटर देन मोड ए। दोनों सर्किल के जो इंटीरियर पॉइंट है वो आपस में करेस्पॉन्ड हो जाएंगे अगर मोड बी जो है वो मोड ए से बड़ा होगा। इस तरह से चाहते तो मैं एक्सटीरियर भी इसे निकाल सकते हैं। अब उसके लिए आते हैं फॉर फिक्स पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर फिक्स पॉइंट डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड बाय इक्वेशन वन। इक्वेशन नंबर वन में डब्ल्यू की जगह जेड रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए बार जेड स्क्वायर माइनस वन बी जेड माइनस बी बार जेड प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हो जाता है ए बार जेड स्क्वायर माइनस बी प्लस बी बार जेड प्लस ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर श्री धराचार्य का फार्मूला लगा दीजिएगा तो जेड इक्वल टू हो जाता है बी प्लस बी बार हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी प्लस बी बार का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का फोर ए बार आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टू ए बार। अब ये वैल्यू आपकी आ चुकी है टू ए बार। अब ये फिक्स पॉइंट के लिए फार्मूला लग रहा है लेट फिक्स्ड पॉइंट्स आर जेड वन कॉमा जेड टू। अब दो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं, अभी लाता हूँ। दो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं, एक हमने जेड वन लिया है एक हमने जेड टू लिया है, सही है। तो अभी एक में पॉजिटिव डाल देते हैं एक में निगेटिव डाल देते हैं, तो जेड वन इज इक्वल टू हो जाता है बी प्लस बी बार और प्लस अंडर रूट बी प्लस बी बार का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बार अपॉन टू ए बार हो जाएगा और जेड टू इज इक्वल टू बी प्लस बी बार माइनस अंडर रूट बी प्लस बी बार का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बार अपॉन टू ए बार हो जाएगा। अब ये प्रूव करना है कि ये जो फिक्स पॉइंट है सही है, ये फिक्स पॉइंट जो है सर्किल के इनवर्स पॉइंट होंगे। सर्किल के क्या होंगे? इनवर्स पॉइंट होंगे। बल्कि ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन को, अभी मैं छोटा करता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं छोटा करने जा रहा हूँ। जेड वन जेड टू है फिक्स पॉइंट, उसने पूछे तो हमसे नहीं है, इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ पूछे नहीं है, सिर्फ प्रूफ दैट करवाए हैं। ऐसे कर लेते हैं लेट जेड वन कॉमा जेड टू आर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट ब्रैकेट में लिख देते हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दीजिएगा जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू ए अपॉन ए बार। ये मैंने टेंथ क्लास का फार्मूला लगाया है, जेड वन जेड टू इज इक्वल टू ए अपॉन ए बार हो गया है, तो यहाँ से हो जाता है इसको इम्प्लाई मोड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मोड ए अपॉन ए बार, तो ये हो जाता है मोड जेड वन जेड टू इज इक्वल टू मोड ए अपॉन मोड ए बार। अब चूंकि मोड ए इज इक्वल टू होता है मोड ए बार के, तो यहाँ से मिल जाता है मोड जेड वन इंटू जेड टू इज इक्वल टू वन। देखिएगा जो सर्किल मेरा मोड जेड इज इक्वल टू वन है उसका ओरिजिन जीरो है, जेड वन में से कुछ नहीं घट रहा है, तो ओरिजिन से दूरी का गुणनफल वन है, ये वन यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या भी वन है, और जब दोनों की सेंटर से दूरी का गुणनफल वन हो जाता है तो ऐसे केस में मेरे जो इनवर्स पॉइंट है वो मेरे जो है सॉरी इनवर्स पॉइंट जो है सर्किल के इनवर्स पॉइंट बन जाते हैं। ये इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करके त्रिज्या का स्क्वायर बन रहा है। अब हम कह सकते हैं जेड वन कॉमन जेड टू आर डिस्टिंक्ट, अगर दो अलग अलग रूट आ रहे हैं जेड वन कॉमन जेड टू आर डिस्टिंक्ट देन दे आर इनवर्स पॉइंट ऑफ सर्किल मोड जेड इज इक्वल टू वन। एक अब दूसरा केस ले लेता हूँ, इफ जेड वन कॉमन जेड टू आर आइडेंटिकल, यानी कि समीकरण के दो अलग अलग रूट नहीं आ रहे हैं, जेड वन कॉमन जेड टू आर आइडेंटिकल देन
यहाँ से दोनों की वैल्यू बना रही है तो मोड जेड वन इज इक्वल टू मोड जेड टू इक्वल टू वन आ जाएगा। सो पाइंस लाई ऑन द सर्किल मोड जेड इक्वल टू वन, क्योंकि दोनों सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं इसलिए वो सर्किल पर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया गया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी उसके लिए अगर हम इन्वर्स पॉइंट लेते हैं तो या तो वो सर्किल के इन्वर्स पॉइंट होंगे, है ना, या तो वो सर्किल के इन्वर्स पॉइंट होंगे या फिर वो दोनों पॉइंट अगर अलग अलग होते हैं तो वो मोड जेड इक्वल टू वन के इन्वर्स पॉइंट बन जाएंगे। और मान लीजिएगा और दोनों पॉइंट जो है वो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो समीकरण के मूल यानी कि समान हो गए हैं, तो ऐसे केस में दोनों के मोड की वैल्यू वन होगी यानी कि वो मोड जेड इक्वल टू वन के वाले सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे अर्थात वो सर्किल पर स्थित होंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप कुछ क्वेश्चन करिएगा। दो क्वेश्चन, एक तो आपको पहला क्वेश्चन करना है और एक आपको आठवां क्वेश्चन करना है और एक आपको नवा क्वेश्चन करना है। ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं और ये तीन क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे एज एग्जाम्पल 1, 2 ऑन बेस 1, 1, 1 टपल। ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं, पहला आठवां नवा, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की तरह से है जो मैंने खुद कराया था। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क में दिया था, क्रॉस रेशियो का था, तीन बिंदु दे रखे हैं और उसमें बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी। अनंत वाला केस हो तो अलग अलग जाकर के करना और अनंत वाला पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप क्रॉस रेशियो में जेड डाल देना, उधर दूसरी तरफ डब्ल्यू डाल देना और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये।